think पहले मैच के बाद बहुत खुशी हुई जिस तरीके से दोनों खेले और जो जिस तरह पॉजिटिव इंटेंट थी आई थिंक वो देखने का मजा आया और जिस तरीके से डोमिनेट किया इमाम ने राइट फ्रॉम द वर्ड गो वन ऑफ द बेस्ट इनिंग्स आई थिंक रन रेट को ऊपर नहीं जाने दिया और हर ओवर में लुक टू हिट बाउंड्रीज सेटल नहीं होने दिया ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग लाइनअप को और स्पिनर्स को जिस तरीके से अटैक किया दैट वाज समथिंग इट वाज अ ट्रीट टू वॉच और फिर बाबर ने आके उसी मोमेंटम को कंटिन्यू किया और आई थिंक जो वो पिछले मैच का थोड़ा सा क्रिटिसिज्म था थोड़ा सा उन्होंने खुद भी एनालाइज किया होगा जो दुख था उनको कि वो मैच क्यों निकला तो वो नजर आया कि वो आके उन्होंने वो फील किया और उन्होंने एक आउटस्टैंडिंग दोनों ने इनिंग्स खेली गुड टू सी देम द वे दे बैटेड और ऑस्ट्रेलिया को कहीं पे थोड़ा सा चांस भी नहीं दिया इस मैच में आने मेरे ख्याल में पाकिस्तान की जो बॉलिंग है दे नीड टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मेंस आई मीन इट्स नॉट लाइक दैट के पिचेस ऐसी हैं कि यहाँ पे आप कंसिस्टेंटली 300 प्लस रन्स हो ओके फाइन 300 वाली ये पिचे हैं फॉर सम हाउ मैं बिलीव करता हूँ कि इस मैच में भी पाकिस्तान को अराउंड 300 का एक्सेप्ट होगा लेकिन बहुत ज़्यादा जो है वो इन फेजेस कहीं आप ऑफ प्लान बॉलिंग करते हैं आपकी फील्ड के मुताबिक बॉल नहीं होते ऐसी पिचेस पे आपको रन्स होने हैं लेकिन आपकी जो विनिंग एफर्ट होती है वो यही होती है कि अगर फर्ज करें 350 या 360 बनना है तो आप किसी तरीके से 25-30 रन्स कम दें और कोशिश करें कि बैट्समैन को चांस लेना पड़े आप खुद से रन्स ऐसे ना दें ऑफलाइन बॉलिंग ना करें इस किस्म की लेंथ पर बॉलिंग ना करें कि दूसरी टीम को ईजी रन्स मिले तो आई थिंक वो ही एक विनिंग मार्जिन होता है ऐसी गेम्स में तो पाकिस्तान आई थिंक नीड्स टू इम्प्रूव अपनी बॉलिंग को बेहतर करने की जरूरत है पाकिस्तान को आई थिंक ऑस्ट्रेलिया की पहले भी हम बात कर रहे थे कि एक तो बहुत ज्यादा इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है इन कंडीशंस पे कोई इतना ज्यादा खेले हुए नहीं एक बॉलर एडम जंपा ऐसे थे जो पिछले मैच में भी पाकिस्तान से पूरा मैच ऑलमोस्ट ले गए थे दोनों लेग स्पिनर्स ने एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था लेकिन सेकेंड मैच में पाकिस्तान ने उन पर जिस तरीके से अटैक किया थोड़ी पिच भी मेरे ख्याल में बेहतर थी बैटिंग के लिए उस तरीके से हेल्प नहीं मिली किसी भी बॉलर को तो उनके लिए भी बड़ा ज़रूरी है ऑस्ट्रेलिया के लिए कि अगर वो थोड़ी सी वेरिएशन अगर लेके आ सकते हैं उनके पास लेफ्ट आर्म सीमर एक है वो उसको खिला सकते हैं अर्ली ऑन बहुत इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्रेक थ्रू लेना अगर ब्रेक थ्रू नहीं होता तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू इवन रिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान या डिफेंड करें वो 350 रन भी तो इन कंडीशंस में बड़ा ज़रूरी है कि आप ऊपर से दो एक विकटें ले प्रेशर बिल्ड करें और फिर इन द मिडल ओवर्स में जब अगर विकटें गिरी हुई होती हैं तो उस तरीके से टीमें रन नहीं कर सकती उसके लिए आपको वेरिएशन लेके आनी पड़ेगी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अगर आप लेके आ सकते हैं उसको लेके आए थोड़ा सा डिफरेंटली सोचें जिस तरह पिछले मैच में पहले मैच में जंपा अर्ली आ गए थे चांसेस आपको लेने पड़ेंगे विकेट्स लेने के लिए एट द सेम टाइम आई थिंक ऑस्ट्रेलिया अगर पहले बैटिंग करेगा तो थोड़ा सा उस अब दोबारा से देखना होगा पिच कैसी है और सोचेगा अगर ऐसी पिच आती है तो 15-20 रन और एक्स्ट्रा करने की आई थिंक यासिर अगर फिट था तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने मिस द ट्रिक इवन द टेस्ट सीरीज क्योंकि पाकिस्तानी पिचेस पे हमेशा से आप देखें कि लेग स्पिनर्स यहाँ पे रफ यूज कर लेते हैं कहीं ना कहीं रिस्ट स्पिनर का फिर भी टर्न होता है रिस्ट स्पिनर्स आपको कहीं ना कहीं दारिश कर दिया था उससे पहले मुश्ताक अहमद थे कादर भाई थे ये हमेशा से इनकी परफॉर्मेंसेज रही हैं और पाकिस्तान जब भी एक स्पिनर से खेलता रहा है तो वो लेग स्पिनर से ही खेलता रहा इन पिचेस पे विद देयर फास्ट बॉलिंग तो आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट यासिर का रिकॉर्ड भी बड़ा ज़बरदस्त था मुझे लगता है कि दोनों फिंगर स्पिनर खिलाना
इन पिचेस पे कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने ट्रिक मिस किया है. अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें तो बिल्कुल यंग लेग स्पिनरों ने स्वेप्सन खिलाया. यासिर, आप कहें कि यासिर क्या स्वेप्सन से भी हम समझ रहे हैं उसको कम रेट कर रहे हैं कि हमने उसको सीरीज में बिल्कुल रखा ही नहीं, हमने उसको रिजर्व में डाल दिया. तो आई थिंक, मुझे लगता है कि पाकिस्तान से ये गलती हुई है. यासिर होता तो यासिर साउथ अफ्रीकन सीरीज में उसने बड़ा ज़बरदस्त इम्पैक्ट डाला था जब साउथ अफ्रीका यहाँ पे तो उसने आउट किए थे. और मेरे मुझे लगता है कि लेफ्ट हैंडर्स ने जिस तरह रन्स किए हमारे अगेंस्ट, ये रफ बनते हैं यहाँ पे. जिस तरह नेथन लायन ने राइट हैंडर्स को मुश्किल में डाला है, यासिर भी होता. और जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे हैं अभी, आज भी मैं देख रहा था जिस तरह उसने फाइनल में भी बॉलिंग की है, बहुत अच्छे रिदम में लग रहा है. मुझे लगता है कि पाकिस्तान ने गलती की है उसको टेस्ट सीरीज में टीम के साथ ना रख के, ना खिला के.